प्लेजेंटविल। तो मूवी की शुरू होते ही हम देखते हैं कि टीवी पर चैनल्स चेंज हो रहे थे। फिर टीवी टाइम नाम का एक चैनल लग जाता है जिस पर एक कॉन्टेस्ट की एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। ये कॉन्टेस्ट टीवी टाइम की एक फेमस सीरियल प्लेजेंटविल और उसके कैरेक्टर्स पार्कर फैमिली पर रखा गया था। नेक्स्ट सीन में हम हाई स्कूल देखते हैं जहां एक लड़का डेविड अपनी क्यूट सी स्कूल फेलो से बात करना चाहता था। डेविड एक एवरेज सा लड़का था जिसकी लाइफ काफी बोरिंग थी, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। वो घर में ज्यादातर वक्त एक कॉमेडी शो देखकर गुजारता था। ये 1950 का फेमस शो प्लेजेंटविल था। इस ब्लैक एंड व्हाइट शो में परफेक्ट फैमिली लाइफ दिखाई गई थी और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी भी। ये सीरियल पार्कर फैमिली की लाइफ भी बेस करता था जिसमें जॉर्ज पार्कर और उसकी वाइफ बेटी एक परफेक्ट कपल दिखाए गए थे। उनके बच्चे बट और मैरी भी बहुत तमीजदार होते हैं और ये एक आइडियल फैमिली थी। डेविड की असल लाइफ इस शो से बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसकी मॉम एंड डैड की डिवोर्स हो चुकी थी, वो एक ब्रोकन फैमिली थे। तभी डेविड प्लेजेंटविल की लाइफ से इंस्पायर होके इसमें मगन रहता था। वो इस शो से बहुत ही ऑब्सेस था और उसे हर एपिसोड की हर एक चीज याद थी। डेविड की एक बहन है जिसका नाम जेनिफर है। वो डेविड से बिल्कुल अलग है। वो स्मोक करती है, कूल कपड़े पहनती है, हर वक्त सोशलाइज करती है और लड़कों को डेट भी करती है। शाम में जब उनकी मॉम घर पर नहीं थी तो जेनिफर और डेविड की टीवी रिमोट पर लड़ाई होती है। डेविड एज यूजुअल प्लेजेंटविल देखना चाहता था जबकि जेनिफर सॉन्ग्स देखना चाहती थी। इनकी लड़ाइयों में टीवी रिमोट गिर के टूट जाता है। अचानक दरवाजे पे बेल होती है। वो ये देखकर हैरान थे कि बूढ़ा टीवी रिपेयरमैन खुद ही उनके घर आ गया था जबकि उन्होंने तो किसी को नहीं बुलाया। डेविड उससे कहता है कि जल्दी रिमोट ठीक कर दे क्योंकि उसे प्लेजेंटविल मैराथन देखना है। ओल्ड मैन डेविड के प्लेजेंटविल से रिलेटेड नॉलेज से बहुत इम्प्रेस होता है। वो अपने बॉक्स से एक अजीब सा रिमोट निकालता है और डेविड को देख के चला जाता है। अब डेविड टीवी ऑन करके प्लेजेंटविल लगा देता है। जेनिफर फिर उससे रिमोट खींचने लगती है। इसी दौरान रिमोट का पावर बटन प्रेस होता है और वो दोनों बहन भाई मैजिकली टीवी में चले जाते हैं। वो प्लेजेंटविल में आ गए थे। जेनिफर मैरी पार्कर बन गई थी और डेविड बट पार्कर। उनके इर्द गिर्द हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट थी। वो पार्कर्स के लिविंग रूम में थे। अचानक उनकी नजर वहाँ पड़े हुए टीवी पे पड़ती है तो टीवी में वही ओल्ड मैन था। वो डेविड से कहता है कि आज तक उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो डेविड की तरह प्लेजेंटविल से ऑब्सेस्ड हो। वो नहीं कहता है कि वो लकी है जो इतनी अच्छे सिनेरियो में रहने का मौका मिला है। अब डेविड और जेनिफर प्लेजेंटविल की दुनिया में फंस चुके थे। जेनिफर वहाँ पड़े फैमिली फोटो को देखती है जिसमें बेटी और जॉर्ज के साथ वो दोनों भी थे। वो इस फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। इतने में बेटी जो प्लेजेंटविल में उनकी मॉम है उन दोनों को नाश्ते के लिए बुलाती है। टेबल पर जॉर्ज भी था। वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए बहुत कुछ रखा था। वो सब मिलकर नाश्ता करते हैं। अब डेविड और जेनिफर को यहाँ बट और मैरी बन के ही रहना था। वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। जेनिफर बहुत उदास थी, वो अपनी लाइफ में खुश थी। यहाँ उसे सब कुछ बोरिंग लग रहा था। फिर वहाँ फायर ट्रक आता है जबकि वहाँ तो कोई आग ही नहीं लगी। वो फायर फाइटर सिर्फ एक कैट को दरख्त से रेस्क्यू करने आते थे। प्लेजेंटविल की फायर टीम का यही काम था क्योंकि वहाँ कभी आग नहीं लगती थी। अचानक एक कार वहाँ से गुजरती है जिसमें एक हैंडसम लड़का था। जेनिफर उसमें इंटरेस्ट लेती है। डेविड बताता है कि वो स्कूल बास्केटबॉल टीम का कैप्टन स्किप मार्टिन है। डेविड इस सीरियल और इसके सब कैरेक्टर्स को अच्छी तरह जानता था। वो जेनिफर को प्लेजेंटविल में मौजूद सब लोगों के बारे में बताता है। स्कूल में तीन लड़कियों के बारे में उसे बताता है जो मैरी की बेस्ट फ्रेंड्स थीं। अब जेनिफर भी खुशी खुशी मैरी का कैरेक्टर प्ले करने लगती है। जेनिफर मैरी की क्लास में जाती है। वहाँ टीचर मेन स्ट्रीट और ELM स्ट्रीट के बारे में पढ़ा रही थी। तभी जेनिफर क्वेश्चन करती है कि प्लेजेंटविल के बाहर क्या है। सारी क्लास उसको हैरान होकर देखती है उसके वियर्ड क्वेश्चन पे। टीचर बताती है कि प्लेजेंटविल के बाहर कुछ भी नहीं, सारी रोड्स वापस घूमकर प्लेजेंटविल की तरफ ही आती हैं। डेविड बास्केटबॉल खेल रहा था तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ की हर चीज स्क्रिप्ट के मुताबिक परफेक्ट है और यहाँ असल दुनिया के साइंटिफिक लॉज अप्लाई नहीं होते। जैसे कि जब भी जिस भी एंगल से बॉल फेंकी जाए वो हमेशा बास्केट में ही जाती है। फिर मार्टिन डेविड के पास आता है। वो उसे कहता है कि वो उसकी बहन मैरी को डेट पे ले जाना चाहता है। डेविड को प्लेजेंटविल की एपिसोड भी याद थी। वो डेविड से कहता है कि मैरी अब बदल गई है और वो उसको पसंद नहीं करती। तभी मार्टिन बॉल फेंकता है जो बास्केट में नहीं जाती।
वहाँ खड़े सारे कैरेक्टर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि प्लेजेंटविल में अगर कुछ भी स्क्रिप्ट से हटकर करेंगे तो यहाँ का ऑर्डर खराब हो जाएगा। डेविड ये बात जेनिफर को भी बताता है कि अब उन्हें सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से ही करना होगा। वो उसे मार्टिन के साथ डेट पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जेनिफर कहती है कि ये दुनिया बहुत अजीब है, लाइब्रेरी में सब बुक्स ब्लैंक है। डेविड जेनिफर से कहता है कि वो एक ही सूरत यहाँ से निकल सकते हैं अगर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक बट और मैरी का किरदार निभाएं। अगर उन्होंने स्क्रिप्ट से हटकर कुछ भी किया तो यहाँ का यूनिवर्स बिगड़ जाएगा और वो यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। फिर डेविड सोडा शॉप जाता है जहाँ बट काम करता था। वहाँ जेनिफर भी मार्टिन के साथ डेट पर आती है। जेनिफर को मैरी की फ्रेंड्स ने लवर लैंड के बारे में बताया था। वो जबरदस्ती मार्टिन को लवर लैंड ले जाती है। डेविड उन्हें रोकना चाहता था क्योंकि जेनिफर जो कर रही थी वो प्लेजेंटविल के स्क्रिप्ट से हटकर था, मगर वो कार में बैठ के चले जाते हैं। मार्टिन कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि मैरी खुद ही उसके साथ लवर लैंड जाएगी। वहाँ जेनिफर मार्टिन के साथ इंटीमेट होने लगती है। वहाँ मौजूद सब लोग ये देख कर सरप्राइज थे क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल स्ट्रेंज था। वो सारे कपल्स लवर लैंड में अपनी कार्स में बैठ के सिर्फ बातें किया करते थे। दूसरी तरफ डेविड घर आ जाता है। वो जेनिफर का इंतजार कर रहा था। डोरबेल होती है तो वो दौड़ के दरवाजा खोलता है, मगर वहाँ जेनिफर नहीं थी बल्कि सोडा शॉप का ओनर बिल जॉनसन था। बिल कहता है कि क्योंकि बड यानी डेविड शॉप से जल्दी आ गया था तो वो उसकी खैरियत पूछने आया है। तभी वहाँ बेटी भी आती है। बिल और बेटी एक दूसरे को देखने लगते हैं। डेविड समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ अट्रैक्शन है। वहाँ मार्टिन ड्राइव करके अपने घर जा रहा था। वो मैरी के साथ टाइम स्पेंड किए हुए टाइम पे बहुत खुश था। अचानक उसकी नजर एक लाल गुलाब पर पड़ती है। वो ये देखकर हैरान था। इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में रंग नजर आने का मतलब ये है कि सब कुछ स्क्रिप्ट से बदलने वाला है। अगले दिन स्कूल में डेविड देखता है कि मार्टिन अपनी और मैरी की डेट के बारे में सब फ्रेंड्स को बता रहा था। तभी मैच के दौरान जब सब प्लेयर्स बॉल थ्रो करते हैं तो किसी की बॉल भी बास्केट में नहीं जाती। डेविड समझ जाता है कि यहाँ कुछ बदलने लगा है। वो जेनिफर से कहता है कि उसने प्लेजेंटविल के सारे स्क्रिप्ट को खराब कर दिया है। वो कहती है कि शायद इससे दुनिया बेहतर हो जाए। तभी वो देखते हैं कि एक लड़का और लड़की वहाँ खड़े एक दूसरे को देखे जा रहे थे और लड़की के मुँह में बबल पिंक कलर की थी। अब प्लेजेंटविल की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग गई थी। अब लवर लैंड पे सारे ही कपल जेनिफर और मार्टिन की तरह इंटीमेट होने लगे थे। अब प्लेजेंटविल में डबल बेड मिलने लगे थे क्योंकि कपल्स एक साथ सोने लगे थे। इससे पहले वहाँ पे सिर्फ सिंगल बेड ही हुआ करते थे। प्लेजेंटविल में बहुत सारी चीजें कलरफुल होने लग गई थीं। फिर डेविड सोडा शॉप आता है तो बिल वहाँ उदास बैठा था। वो डेविड से कहता है कि उसे बर्गर्स वगैरह बनाना अच्छे नहीं लगते। उसे पेंटिंग करने का शौक है मगर वो सिर्फ क्रिसमस के दिन ही पेंटिंग करता है। डेविड उसे समझाता है कि हम सबको अपना अपना काम ही करना चाहिए क्योंकि डेविड अभी भी चाहता था कि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो। दूसरी तरफ बेटी मैरी से पूछता है कि आजकल लवर लैंड में क्या हो रहा है। मैरी कहती है कि अब कपल्स आपस में इंटीमेट हुआ करते हैं। ये सुनकर बेटी हैरान होती है क्योंकि उसे ये सब नहीं पता था। वो कहती है कि मीरा और जॉर्ज का तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं। प्लेजेंटविल में सिर्फ कलर्स ही नहीं दिखने लगे थे बल्कि उस रात पार्कर के घर के बाहर दरख्त को आग लग जाती है। सब ये देखकर हैरान थे। डेविड भागकर फायर फाइटर्स को बुलाने जाता है। वो फायर फायर चिल्लाता है मगर वो नहीं सुनते। जैसे ही वो कैट का नाम लेता है तो वो फॉरन ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं। वहाँ आग देखकर फायर फाइटर्स हैरान थे। प्लेजेंटविल में पहले किसी ने आग नहीं देखी थी। उन्हें नहीं पता था कि इसे कैसे बुझाना है। तब डेविड वाटर हॉर्स लेकर फायर फाइटर को देता है। फायर फाइटर आग बुझाते हुए बहुत इंजॉय करता है। उसे पहली दफा पता चला था कि ये पाइप किस लिए यूज होता है। फिर प्लेजेंटविल का मेयर बड यानी डेविड को उसकी बहादुरी पर मेडल देता है। बेकरी में काम करने वाली लड़की मार्गरेट डेविड के लिए कुकीज लेकर आती है। डेविड ने ये एपिसोड देखी हुई थी। तभी वो मार्गरेट को कहता है कि उसने ये कुकीज वाइटी के लिए बनाई होंगी। मार्गरेट कहती है कि नहीं, ये बड के लिए है। डेविड कुकीज ले आता है और उसे थैंक यू बोलता है। जब डेविड सोडा शॉप जाता है तो बहुत से लोग वहाँ उसका वेट कर रहे थे। जेनिफर बताती है कि वो सब जानना चाहते हैं कि बट को आग को बुझाने के बारे में कैसे पता चला। तभी बट यानी डेविड उन्हें बताता है कि फायर फाइटर्स का यही काम होता है। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने प्लेजेंटविल के बाहर ऐसा देखा है। वो कहता है कि हाँ, प्लेजेंटविल के बाहर भी एक दुनिया है।
डिफरेंट रोड्स हैं, समंदर हैं और नदियाँ भी। वहाँ बैठा एक लड़का कहता है कि जैसे मिसिसिपी, उसके पास एक बुक थी जिसमें ये सब लिखा था। डेविड जेनिफर से पूछता है कि तुमने तो कहा था यहाँ पर सारी बुक्स ब्लैंक हैं। जेनिफर बताती है कि उसके फ्रेंड्स के पूछने पे वो उन लोगों को प्लेजेंटविल से बाहर की दुनिया क्या बताने लगी थी और उसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से किताबें खुद ही फिल होने लग गई थी। अब प्लेजेंटविल में मौजूद यंगस्टर्स कलरफुल होने लग गए थे, जबकि ओल्डर जनरेशन ये देखकर हैरान थी। मेयर भी इस बात पर परेशान था। वो जॉर्ज पार्कर के घर जाता है और उसे प्लेजेंटविल के एडमिनिस्ट्रेशन का मेंबर बनाने को कहता है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। जॉर्ज ये सुन के बेटी को आवाज देता है, मगर बेटी नहीं आती। ये बहुत अजीब था, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो बेटी जॉर्ज की एक आवाज पर आ जाती थी। डेविड बेटी को बुलाने के लिए जाता है तो वो किचन में खड़ी रो रही थी। उसका चेहरा कलरफुल हो गया था और वो परेशान थी कि इस चेहरे के साथ सबके सामने कैसे जाए। डेविड उसको हेल्प करता है मेकअप से वापस ब्लैक एंड व्हाइट होने में। फिर डेविड लाइब्रेरी से एक आर्ट बुक लेकर बिल जॉनसन को गिफ्ट करता है। बिल इन आर्ट्स को देखकर बहुत इंस्पायर होता है। फिर डेविड मार्गरेट से डेट पे चलने को कहता है और शाम में दोनों तैयार होकर लवरलैंड जाते हैं। दूसरी तरफ बेटी टाउन में वॉक कर रही थी कि अचानक उसकी नजर सोडा शॉप की विंडो पे पड़ती है। वहाँ एक खूबसूरत कलरफुल पेंटिंग थी। बेटी शॉप के अंदर जाती है तो बिल वहाँ कलरफुल पेंटिंग्स बना रहा था। ये सब खूबसूरत पेंटिंग्स देखकर बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लैक एंड व्हाइट मेकअप उतर जाता है। वो चेहरा छुपाकर जाने लगती है, मगर बिल उसे रोक लेता है। वो उसका मेकअप साफ करता है और कहता है कि उसके असल कलर्स कितने प्यारे हैं। जेनिफर को भी नॉवेल्स पढ़ने का शौक हो गया था। मार्टिन उसे डेट पर चलने को कहता है, मगर वो मना कर देती है क्योंकि वो बुक रीडिंग में बिजी थी। जॉर्ज घर आता है तो वो देखता है कि बेटी घर पर नहीं, ना ही उसने स्क्रिप्ट के हिसाब से डिनर टेबल सजा रखी थी। फिर प्लेजेंटविल में पहली दफा बारिश होने लगती है। लवरलैंड पे भी सब लोग बारिश देखकर डर गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी बारिश देखी ही नहीं थी। डेविड उन्हें बारिश में एंजॉय करना सिखाता है। अगले दिन प्लेजेंटविल के आसमान पर खूबसूरत रेनबो नजर आता है। बिल की सोडा शॉप में भी हर चीज कलरफुल हो चुकी थी। मैरी यानी जेनिफर भी कलरफुल हो गई थी। बेटी घर आती है तो जॉर्ज उसे कहता है कि तुम्हें हमेशा मेरी एक आवाज पर आना होगा, पहले की तरह रोज मुझे डिनर सर्व करना होगा। बेटी कहती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जॉर्ज के रोकने पर भी वो नहीं रुकती और घर छोड़कर चली जाती है। सोडा शॉप के बाहर बहुत से लोग जमा थे, क्योंकि बिल ने वहाँ बेटी की पेंटिंग बनाकर लगाई थी। डेविड को गुजरते हुए एक टीवी शॉप से आवाज आती है। वो अंदर जाता है तो वहाँ टीवी पे वही ओल्ड रिपेयरमैन था। वो डेविड से कहता है कि तुमने प्लेजेंटविल का सारा माहौल बदल के रख दिया है, तुम इस काबिल नहीं हो कि यहाँ रहो। मेरा वो रिमोट लेकर आओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूँ, फिर मैं प्लेजेंटविल को स्क्रिप्ट के मुताबिक पहले जैसा कर दूंगा। डेविड कहता है कि वो इसे ऐसा नहीं करने देगा। ये कहकर वो टीवी शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर कुछ लड़के बेटी को तंग कर रहे थे। वाइटी नामी लड़का बेटी के करीब आकर उसे छूने लगता है तो डेविड बढ़कर उसे जोर से मुक्का मारता है। जब लड़के वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और अब डेविड भी कलरफुल हो गया था, बेटी उसे आईना दिखाती है। तब डेविड को समझ आता है कि कलरफुल होने के लिए किसी से इंटीमेट होना जरूरी नहीं, बल्कि हर वो शख्स कलरफुल हो जाता है जो अपने माइंड के बैरियर्स को तोड़ देता है, अपने फियर से लड़ता है और अपनी सोच को बदल लेता है। जैसे जेनिफर मार्टिन के साथ रहकर कलरफुल नहीं बनी थी, बल्कि तब कलरफुल हुई जब वो किताबें पढ़ने लगी थी। इसी तरह डेविड तब कलरफुल हुआ जब वो अपनी मॉम यानी बेटी के डिसीजन को सपोर्ट करता है और स्ट्रांग होकर लड़कों को मारता है। रात में प्लेजेंटविल के कुछ लोग सोडा शॉप को तोड़ देते हैं। वो इस बदलाव से खुश नहीं थे। टाउन में काफी डिस्ट्रक्शंस होती हैं, किताबें जला दी जाती हैं। फिर बेटी, डेविड, जेनिफर और बाकी सब नौजवान जो तब्दीली को अपना रहे थे और कलरफुल हो गए थे, वो सोडा शॉप में आते हैं। दूसरी तरफ प्लेजेंटविल के टाउन हॉल में मीटिंग चल रही होती है। मेयर बताता है कि उन्हें ये सिचुएशन कंट्रोल करने की जरूरत है। वो कहता है कि उसने जॉर्ज के साथ मिलकर कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाए हैं जिन्हें सभी को फॉलो करना होगा। वो ये रूल सबको पढ़कर सुनाता है। सोडा शॉप में डेविड भी सबको ये पढ़कर सुना रहा था, जिसमें लिखा था कि प्लेजेंटविल की लाइब्रेरी को और लवरलैंड को बंद कर दिया जाएगा, डबल बेड नहीं बिकेंगे, म्यूजिक पे पाबंदी लगा दी जाएगी, कोई भी कलरफुल पेंटिंग नहीं करेगा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग्स की ही इजाजत होगी। ये सुनकर ये सब लोग मायूस हो गए थे, मगर डेविड म्यूजिक प्ले कर देता है। अगले दिन डेविड और बिल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करते हुए
पुलिस स्टेशन की दीवार पर एक कलरफुल पेंटिंग बना देते हैं और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। फिर इन दोनों पे ट्रायल किया जाता है। तब डेविड खड़ा होकर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे सब लोग प्लेजेंट रहना चाहते हैं, मगर लाइफ में इसके अलावा भी बहुत से इमोशंस हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, जैसे कि फनी होना, सिली होना, गुस्सा करना, कुछ डेंजरस करना और किसी से प्यार करना, और इन सब इमोशंस की हमारी लाइफ में अलग अहमियत है। फिर डेविड जॉर्ज से कहता है कि डैड, आप मॉम को मिस करते हो क्योंकि वो आपका ख्याल रखती थी, आपके लिए खाना बनाती थी। तभी जॉर्ज बेटी की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके इस इमोशन की वजह से वो भी कलरफुल हो जाता है। तभी मेयर बर्ड से चुप रहने को कहता है और कहता है कि यहाँ कोई सर्कस नहीं हो रहा। डेविड कहता है कि वाकई ये कोई सर्कस नहीं, और ये कहकर वो वहाँ मौजूद लोगों की तरफ इशारा करता है। डेविड की बातें सुनकर सभी इमोशनल हो गए थे और सभी लोग कलरफुल होने लग गए थे। डेविड मेयर को गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर कहता है कि क्या पता जल्द सारा प्लेजेंटविल कलरफुल हो जाए। औरतें बाहर जाकर काम करने लगे और मर्द खाना पकाएं। इस बात पे मेयर को बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही शाउट करने लगता है तो डेविड उसे मिरर दिखाता है। गुस्सा भी तो आखिर एक इमोशन ही है, जिसकी वजह से मेयर भी कलरफुल हो गया था। ये देख कर मेयर भाग जाता है। वो सब देखते है कि अब पूरा प्लेजेंटविल कलरफुल हो गया था। जेनिफर डेविड से कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है और अपना कॉलेज कंप्लीट करेगी। डेविड उसे गुड बाय करता है। फिर वो बेटी और मार्गरेट को अलविदा करके टीवी के जरिए वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। अचानक उसे अपनी मॉम की रोने की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मॉम, आप तो शहर से बाहर गई थी। मॉम कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए वहाँ जा रही थी, मगर मुझसे ये नहीं हुआ। डिवोर्स से पहले हम एक परफेक्ट फैमिली थे और हमारी परफेक्ट लाइफ थी। तब डेविड मॉम से कहता है कि परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती और उन्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए, बगैर किसी गिल्ट के। आखिर में हमें फिर से प्लेजेंटविल दिखाया जाता है, जहां सब लोग अपनी मर्जी की लाइफ जी रहे थे, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।